अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, हमारे नेबर्स में हैं, उनसे बात करते हैं। उनको पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? पढ़ना अच्छा लगता है आपको? ज़ोर से बोलो, थोड़ा गला ठीक है जी। कितना अच्छा लगता है? अच्छा, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कितनी खुशी होती है? इस भाई से पूछते हैं, ये काफ़ी गुस्से में रहता था। आपको क्या सियासतदानों पर गुस्सा चढ़ा हुआ, या पाकिस्तान इंडिया से हार गया उस बात को गुस्सा चढ़ा हुआ? इस बार तो गुस्सा नहीं चढ़ा। आज मैच जीतेंगे कि हारे? आज मैच कुछ पता नहीं। काम पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी अरसा जो है, तकरीबन 7 साल मैंने सच न्यूज़ फैसलाबाद में एज ए रिपोर्टर काम किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपका, जब आप एम्प्लॉय होते हैं ना कहीं, तो फिर वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके पास नहीं होती। अक्सर दोस्त इस बात से डिसएग्री भी करेंगे कि यार निज़ाम तो चल रहा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन देखिए जहाँ सिस्टम होता है किसी ऑफिस में वहाँ बहुत अच्छा होता है, और जहाँ सिस्टम नहीं होता वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने जो है सच टीवी फैसलाबाद जो है वो छोड़ दिया है। पहले मैं रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ पर, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, अच्छा व्लॉगिंग में ग्रो करना चाहता हूँ, आगे आना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ जो है आप दोस्तों के तामन के बगैर नहीं हो सकता। व्लॉगिंग जब हम करते हैं तो फिर आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बड़ी वहाँ मैटर करती है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों की मुलाजमत करने से बच सकते हैं, और ख़ुद जो है अपना एक चैनल ग्रो कर सकते हैं, और बाइज्जत अंदाज में जो है आगे जा सकते हैं। तो अगर आप भाइयों को बुरा लगा हो, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉय होते हैं, कहीं ना कहीं मुलाजम होते हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर दी आपने। लेकिन मैं तो ये बयान कर रहा हूँ कि जब आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर आपके जो अंदर के एम्बिशंस हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी विल है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। आपको किसी और की ख्वाहिश पर, किसी और के लिए काम करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो अपने हिडन टैलेंट को सामने लाएं, कोशिश करें, कुछ बर्दाश्त करें, फेस करें, कुछ मुश्किलात फेस करने के बाद जो है फिर आगे निकलने का रास्ता बनता है। एक रवाज ये भी है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने किसी को सपोर्ट किया, किसी के काम आए, तो उसकी बेहतरी हो जाएगी और वो आगे निकल जाएगा, तो हमारा क्या होगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो फिर भी वो रुक नहीं सकता, चूँकि जो कोई मेहनत करता है, जो कोई काम करता है, लगन से मेहनत करता है, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते, उसको आप उसकी तरक्की को, उसके एम्बिशंस को, उसकी जो मूव है, उसको आप रोक नहीं सकते। चूँकि परवरदिगार जब मेहरबानी करता है तो फिर होती है मेहरबानी, ना फिर आप नहीं रोक सकते ना जी। आप नहीं करेंगे, कई और लोगों के दिलों में परवरदिगार डाल देगा कि आप जो है इसको सपोर्ट करें, इसको आगे लेके आएँ। तो मैं काफ़ी देर से जो है यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और अब मैंने चूँकि ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, मुझे अच्छा लगता था ऐसा कर रहा है। चूँकि न्यूज़ चैनल में जब मैं काम करता था सच टीवी में फैसलाबाद में, यहाँ 7 साल मैंने काम किया, अब छोड़ दिया मैंने। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि आप जब तक मुलाजम हैं, ये गुलामी की दूसरी शक्ल है, अपनी मजबूरियों के लिए, अपने जो फाइनेंशियल मामला हैं उनको चलाने के लिए आप किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट शामिल हो, जिसमें आपका शौक शामिल हो, जिसमें आपकी खुशी शामिल हो, तो आप उसमें ज़्यादा मुतमिन रहते हैं। तो मैंने छोड़ दिया। आज से ये कोशिश है कि हम काम जो है ना जी आज़ादाना करेंगे, अपना काम करेंगे, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क बरकत अल्लाह के हाथ में है। तो जब अल्लाह देता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो आप जितने दोस्त भाई हैं, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारी इस स्टोरी में शामिल होना चाहते हैं, हमारे इस जो हमारा ये सफ़र है यूट्यूब का, व्लॉगिंग का, इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा देखें और शेयर करें। सुबह के बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन, फूल एंड काम है यहाँ पर, देखें बहुत अच्छा लगता है जब आप ग्रीनरी देखते हैं, आपको ग्रीन व्यू देखने को मिलता है। और ख़ासकर आजकल के दौर में जब हर तरफ कॉलोनियाँ कट रही हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, तो अगर इस तरह आपको सब्ज़ा देखने को मिले तो ये आपके लिए काफ़ी सेहत अफजा बात होती है, काफ़ी खुशाइंद बात होती है, और आपकी रूह काफ़ी खुश होती है जब आप ये देखते हैं। तो हमारे घर की बैक साइड में ये बाग है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं और इसे देख के अच्छा लगता है। तो अभी सुबह है, अभी काम पर जाने की तैयारियाँ चल रही हैं, अभी नाश्ता तैयार हो रहा है, तब तक व्लॉगिंग
पैशन भी है, कुछ लोग इससे जुनून की अटैक करते हैं। तो चूँकि हमारा काम पहले भी यही था, एज ए रिपोर्टर जो है रिपोर्ट्स बनाना, बात करना, गुफ्तगू करना, तजिया करना, तो अब इस व्लॉगिंग में हमारे लिए ये ज़्यादा आसान हो गया कि हम बात कर सकते हैं, और अब वो बात कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात है वो आप कर सकते हैं, करनी चाहिए। जब तक आप दिल की बात नहीं करते इंसान परेशान रहता है। तो आज से मेहमान आए हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, जब मेहमान आए तो खुशी का इजहार करना चाहिए। तो हमारा रवाज भी यही है, रीत भी यही है, और हमारा मज़हब, हमारा दीन जो है वो भी हमें इस बात की तरतीब देता है कि मेहमान के आने पर खुशी करनी चाहिए। तो हमारे मेहमान कुछ आए हैं, मेरे तायाबू हैं और मेरा कज़न है, अपनी फैमिली के साथ आया, उनके साथ बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, तो नाश्ता इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद काम पे निकलने की तैयारी करें। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और जब मेहमान जो हैं वो आपके करीबी अजीज़ भी हों तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे कज़न हैं, मेरे फूफोजाद हैं, अजीम मेरा भाई है छोटा, तो मुझसे मिलने के लिए स्पेशली आया है, तो फिर आपकी बात भी करवाते हैं इनसे। अजीम कैसा लगा आपको आके? मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब आप आए। जी जी माशाल्लाह, हम भी इधर ना फैसलाबाद में आके बहुत से मिले हैं, इंजॉय खूब इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया हम इधर फैसलाबाद में, बहुत अच्छा लगा हमें। कहते हैं बहुत अच्छा लगा है मुझसे मिलके, वैसे आपस की बात है, अभी तक 40 साल एज होने को है, मुझसे मिलके कभी किसी को अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह हालात भी हो सकते हैं, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, या इसकी वजह जो है आपका अपने नज़रियात पे कायम होना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कौड़ा और कोरा होना भी हो सकता है, तो इतना कोड़ा नहीं हूँ, कोरा शायद हूँ, होना भी चाहिए आदमी को। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इनको अच्छा लगा, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपको यहाँ, मुझे आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, आप हमारा बचपन जो है इकट्ठा गुजरा, आप देखते हैं। तो तायाबू जो हैं वो भी यहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शायद काफ़ी थकावट है उनको सफ़र की, वो नींद पूरी करने के चक्कर में है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्यों नहीं आती जी बातें? मैं कभी नहीं। मोहम्मद बाहू जो है गुड मॉर्निंग कर ली है, और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। अभी जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये वो जाली के करीब था, बच्चे तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई साहब? अच्छा लग रहा है, इसको तो अच्छा लग रहा है। उधर 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 देखो, उधर उधर आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी है, तो आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को जो है ना जी उसका इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि अब इंडिया से फाइनल में टकराव हो, और बारिश ना हो, मैच पूरा हो, तो फिर मज़ा आएगा। वैसे मैच में दूसरा मैच जो आपने देखा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें तो क्वाली हुई है जी पूरी। देखें अगर आवाज़ की वजह से आपको कुछ मसला हो, या वीडियो की क्वालिटी की वजह से अगर कोई मसला है, तो इस पर मैं माजरत ख्वाऊँ, चूँकि माइक वगैरह की भी ज़रूरत है, वो लेने हैं, मोबाइल जो है, ये दोस्त कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं उसको, वो मुझे तो उसका नाम भी नहीं पूरा आता अभी, वो होता नहीं है दूसरा, क्या कहते हैं उसको, एक तो एंड्रॉयड होता है ना ये जो हमारे पास है, और एक वो ओ 14 प्रो मैक्स, वो आईफोन, या आईफोन होता है वो, आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है उसका वीडियो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो हाँ देखें, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, चाहिए तो है, तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। नाश्ते की खुशबू आ रही है, नाश्ता रेडी हो रहा है, और अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। मुझे लग रहा है आज फिर पराठे। कल तक मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहा था कि काम छोड़ूँ ना छोड़ूँ, कौन सा काम करूँ, क्या करूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से और काफ़ी सपोर्ट से मैं ये समझता हूँ कि YouTube पर जो है मुझे काम करना चाहिए, व्लॉगिंग करनी चाहिए, और एक दिन जो है बेहतरीन अंदाज में आप लोगों की सपोर्ट से व्लॉगिंग एट देयर बेस्ट हो जाएगी। अभी काम से वापसी हुई है, और अभी दही भल्ले खाने को दिल कर रहा है, तो चलते हैं दही भल्ले शॉप पर। शाही दही भल्ले जो है यहाँ की मशहूर सौगात कह लें, यहाँ फेमस दही भल्ले जो है शाही दही भल्ले हैं, आपको भी लिए चलते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप भी मिलत रोड से शाही दही भल्ले खा सकते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त दही भल्ले खाने को दिल कर रहा है और यहाँ आपको पता है शाही दही भल्ले जो है मशहूर दही भल्ले हैं, भाई उमर जो है हम जबरदस्त अंदाज में बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं फाइनली दही भल्ले आ चुके हैं, अभी दही भल्ले खाएंगे और रेस्ट करेंगे आज के व्लॉग में। अभी फोन एक दोस्त की एक कॉल थी कि आपने जो है मीडिया क्यों छोड़ा है सच टीवी, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने सच टीवी में जो है अपनी ज़िंदगी के कीमती 7 साल जो है वो ज़ाया किए हैं। अभी यूट्यूब पर व्लॉग बनाएंगे और व्लॉगिंग करेंगे और आपका तमाम रहेगा तो व्लॉगिंग टॉप रैंक पे जाएगी इंशाल्लाह, तो आप साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, व्लॉगिंग जो है आपके कहने पर, आपकी भरपूर फरमाइश पर, आपके भरपूर असरार पर जो है वो शुरू किया है, तो भरपूर अंदाज में सपोर्ट जो है वो जारी रखिएगा। अली गौर ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जितनी ज़्यादा वीडियो देखते रहेंगे हमारे साथ रहेंगे, इस तरह से मज़ीद अच्छे व्लॉग जो है वो भी बनेंगे। अभी कहीं आउटिंग पे भी चलेंगे और वहाँ पर जो है व्लॉग बनाएंगे, तुम्हारे साथ रहिएगा। आपकी सपोर्ट जो है वो अली गौर ऑफिशियल को ग्रो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो आज के व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अली गौर ऑफिशियल को ग्रो करने में आपका बहुत किरदार है और बहुत जल्द जो है हम वो रैंक हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। अभी से हमने ये गुलामी जो है वो छोड़नी है और खुद पर इंसार करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, अल्लाह परवरदिगार से जो है मदद चाहनी है। इंशाल्लाह सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार जो है रहमत फरमाएंगे। लाइक और शेयर कीजिए, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।